हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का यह प्रैक्टिस सेट राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का है। चूंकि सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत हम हाथ, लाक, रूसो तीनों को पढ़ते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। इसीलिए इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया गया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रैक्टिस सेट पार्ट वन और सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रैक्टिस सेट पार्ट टू। यह वीडियो फ्रेंड्स सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रैक्टिस सेट पार्ट वन का है और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस घटनाचक्र से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है किताबों से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है ओपिगावा से हैं। माने कुल मिला जुला करके ये कंप्लीट पैकेज है आपके स्टडी का और उम्मीद करता हूँ कि इसके दोनों पार्ट्स को यदि आप देख लेंगे तो आपके इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर एक है फ्रेंड्स, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तीन प्रमुख प्रतिपादक थे ऑस्टिन बोंदा हाब्स, हाब्स लॉक रूसो, सी मैकाइवर लास्की हाब्स, डी जे स्मिल स्मिथ या हाब्स। तो फ्रेंड्स, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में हाब्स लॉक रूसो का नाम लिया जाता है। हाब्स लॉक रूसो ये तीन विचारक ऐसे थे जिन्होंने सामाजिक समझौते या सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विकल्प बी हाब्स लॉक रूसो सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है ए राज्य की प्रकृति से, बी राज्य के कार्य से, सी राज्य के उद्देश्य से या डी राज्य की उत्पत्ति से। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर डी राज्य की उत्पत्ति से होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। नाम ही है कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो प्रश्न दो का विकल्प डी राज्य की उत्पत्ति सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीन है फ्रेंड्स, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई। ए शक्ति का सिद्धांत, बी दैवी सिद्धांत, सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत होगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य कोई दैवी संस्था नहीं है बल्कि एक कृत्रिम संस्था है और इसका निर्माण जो है जनता ने या मनुष्यों ने समझौते के द्वारा किया है। शक्ति का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य के निर्माण में शक्ति या बल का योगदान था। दैवी सिद्धांत यह कहता है कि राज्य के निर्माण में ईश्वर ने किया है, राज्य या राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जबकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह कहता है कि राज्य जो है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो तीन का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चार है फ्रेंड्स, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंध रखता है ए राज्य का स्वरूप, बी राज्य का कार्य, सी राज्य का उद्देश्य, डी राज्य का मूल। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर डी राज्य का मूल होगा। क्वेश्चन नंबर दो में भी आपने देखा होगा कि उसमें राज्य की उत्पत्ति दिया गया है और यहाँ राज्य का मूल दिया है। मूल का मतलब उत्पत्ति ही होता है, केवल शब्दावली चेंज कर दिया है। प्रश्न वही है, उसका उत्तर भी वही है, केवल शब्दावली बदल दिया गया है। यहाँ राज्य का मूल दिया है और वहाँ राज्य की उत्पत्ति दिया था, बस बाकी कोई अंतर प्रश्न में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चार का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि हाब्स लॉक एवं रूसो एकमत हैं कि राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है, बी राज्य शक्ति का परिणाम है, सी राज्य समझौते का परिणाम है या डी राज्य विकास का परिणाम है। तो फ्रेंड्स, हाब्स लॉक रूसो जो है एक समझौतावादी विचारक थे जो ये मानते थे कि राज्य जो है वो समझौते का परिणाम है। तो विकल्प सी सही होगा। राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है, ये दैवी सिद्धांत के समर्थक कहते थे। शक्ति वाले राज्य शक्ति का परिणाम मानते थे और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत यह मानता था कि राज्य विकास का परिणाम है। तो पाँच का सी राज्य समझौते का परिणाम है सही होगा। क्वेश्चन नंबर छः है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है, थोड़ा प्रश्न को देखिए ध्यान समझिएगा ये वाला प्रश्न, कि सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना, यथास्थिति की औचित्य को बताना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर ए होगा, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना।
सामाजिक समझौता सिद्धांत यह चाहता है, यह बताना चाहता है कि जो राजनीतिक दायित्व हैं, राजनीतिक दायित्व मतलब जो राजनीतिक जितनी संस्थाएं हैं वो कैसे अस्तित्व में आई, उसका आधार क्या है। तो इसका विकल्प ए, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना जो है वो सही होगा। तो प्रश्न 6 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। बी एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था। सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक होगा। हाब्स ने मानव स्वभाव के नितांत बुरे पक्ष का वर्णन किया है। वह मनुष्य को स्वभाव में केवल बुराइयां ही देखता है। तो जिस भी विकल्प में केवल बुराइयां लिखी गई हो मानव स्वभाव के बारे में, समझ लेना वो स्टेटमेंट हाब्स का है। जिसमें अच्छाइयां लिखी जाएँ वो लाक का होगा, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों लिखी जाए वो रूसो का होगा। तो इस 7 में का जो है ये सही होगा कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। यानी प्राकृतिक प्रश्न ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था थी। तो विकल्प ए है शांति और समृद्ध, बी निरंतर संघर्ष, सी शांति और अभाव, डी धार्मिक शासन। तो फ्रेंड्स हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को बताया कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो युद्ध और अराजकता की अवस्था थी। तो यानी कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या होगा, निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। तो विकल्प बी निरंतर संघर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेबाइन ने किसके लिए कहा कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो फ्रेंड्स सेबाइन का यह स्टेटमेंट जो है वो हाब्स के लिए लिखा गया है कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया हाब्स उनमें कदाचित महानतम थे। तो विकल्प ए हाब्स सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स। इनमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई, 1655 की हिंसक क्रांति से, 1642 के गृह युद्ध से, 1650 की स्वर्णिम क्रांति से, या 1688 की स्वर्णिम क्रांति से। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड की जो 1688 ईस्वी की क्रांति हुई थी उससे जो है लाक के विचारों को प्रेरणा मिलती है। तो विकल्प डी जो है वो सही होगा। लाक जो है वो 1688 ईस्वी की वहाँ की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, बिना रक्त की बूंद गिरे हुए सत्ता में जो वहाँ परिवर्तन हो गया था, लोकतंत्र की जीत हो गई थी, इससे जो है वो लाक के विचारों पर मानव के अच्छाइयों के प्रति उसका विश्वास जो है और दृढ़ हुआ था। तो लाक के विचारों को जो प्रेरणा मिली थी वो 1688 ईस्वी की स्वर्णिम क्रांति से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक इच्छा है सामान्य नहीं है और जहाँ यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह कथन है ए बोसांके का, बी हेनरी मैन का, सी एमपी फॉलेट का, या डी हाबहाउस का। तो फ्रेंड्स जो ये रूसो के समान इच्छा के प्रति जो यह स्टेटमेंट दिया गया है वो हाबहाउस का है। हाबहाउस ने ही जो है रूसो के समान इच्छा के प्रति लिखा है कि अगर ये इच्छा है तो सामान्य नहीं हो सकती है और अगर सामान्य है तो यह इच्छा नहीं हो सकती है। तो विकल्प डी हाबहाउस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी पुस्तक थॉमस हाब्स की नहीं है, ए डी सीवे, बी डी होमाइन, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी लेवियाथन। तो फ्रेंड्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हाब्स की पुस्तक नहीं है, यह रूसो की पुस्तक है। इसको छोड़कर के जो बाकी 3 दिए गए हैं डी सीवी, होमाइन, लेवियाथन जो है यह थॉमस हाब्स की पुस्तक है। तो 12 का विकल्प सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाब्स की लिव्याथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह कथन किसका है, ए ओक्सार्ड का, बी सेबाइन का, सी हाबहाउस का, या डी बर्क का। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए होगा ओक्सार्ड। लिव्याथन के विषय में जो स्टेटमेंट दिए गई है वो यह स्टेटमेंट जो है ओक्सार्ड का है। उन्होंने लिखा कि हाब्स की लिव्याथन जो है वो राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, रूसो की सामान्य इच्छा या संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ए यह राज्य में कानून का स्रोत है, बी यह सबकी इच्छा है, सी यह सदैव जनहित में होती है, या डी यह सदैव सही होती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी यह सबकी इच्छा है, यही गलत है, बाकी सब सही है। रूसो की सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं हैं उसमें यह है कि सामान्य इच्छा ही कानून का स्रोत होती है, यह सदैव जनहित में कार्य करती है और यह हमेशा जो है जो करती है वो सही होता है। यह सबकी इच्छा है, यह जरूरी नहीं है।
सामान्य इच्छा की जब आप विशेषताएं पढ़े हैं तो ये बताया गया होगा आपको कि सामान्य इच्छा जो है वो एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है, या पूरे समाज की इच्छा हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि वह इच्छा जो है वो जनहित में कार्य करे। अगर जनहित में एक व्यक्ति की इच्छा कार्य कर रही है तो वह सामान्य इच्छा हो सकती है। तो यह सबकी इच्छा हो यह जरूरी नहीं है। तो 14 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है ए आस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का, बी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, या डी शक्ति के सिद्धांत का। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक अधिकारों का जो धारणा है, सिद्धांत है, यह सामाजिक समझौते के सिद्धांत का है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। आपने लॉक पढ़ा होगा तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में तीन अधिकारों की कल्पना की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। तो 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है बहुत प्रसिद्ध है और हाप्स का है। हाप्स जब माँ के गर्भ में था तो उसी समय जो है स्पेन की जनसेना ने जो है इंग्लैंड के तटीय क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया था। तो डर के मारा, उस डर के वातावरण के कारण जो है हाप्स की माँ ने समय से पहले ही हाप्स को जन्म दे दिया था। तो एक भय जो है इसके जन्मजात गुण में समाहित हो गया है, यानी जन्म से ही भय इसको मिल गया है। तो उसी बात को यहाँ इसने लिखा है कि आर्मेडा के वर्ष में, यानी जब उसमें युद्ध हो रहा था, तो उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। तो यह किसका कथन है? तो यह हाप्स का है। 16 का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? ए पितृसत्तात्मक सिद्धांत, बी मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सी बल का सिद्धांत, या डी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर डी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत होगा। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो हाफ्स लाक रूसो ने जिसका प्रतिपादन किया था, उसकी शुरुआत ही प्राकृतिक अवस्था से होती है, मानव स्वभाव से होती है। तो प्राकृतिक अवस्था के विषय में जो है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बताता है। 17 का डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद या यांत्रिक भौतिकवाद का संबंध किससे है? ए हाफ्स का है, बी लॉक से, सी रूसो, या डी मिल। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर ए हाफ्स होगा। यांत्रिक भौतिकवाद का प्रतिपादन हाफ्स ने किया क्योंकि उसने व्यक्ति को अणु के समान स्वतंत्र, गतिशील तथा स्वार्थी कहा। हाफ्स ने अराजकता से बचने के लिए निरंकुशता का समर्थन किया। उसने जो है निरंकुश राज्य का जो विचार था उसका, उसने उसको इतने तार्किक ढंग से दिया। उसने वैज्ञानिक ढंग से, एक तार्किक ढंग से यह बताया कि व्यक्तियों के हित के लिए एक निरंकुश राजा का होना आवश्यक है। तो उसकी जो ये वैज्ञानिक तरीके से, जो तार्किक ढंग से उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया और व्यक्ति को जो अणु के समान स्वतंत्र, गतिशील एवं स्वार्थी कहा, इस आधार पर के उसके विचारों को वैज्ञानिक भौतिकवाद या यांत्रिक भौतिकवाद हम कहते हैं। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद या यांत्रिक भौतिकवाद का जो संबंध है वो किससे है? तो हाफ से है। विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, किसने कहा कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? ए लॉक, बी रूसो, सी अरस्तु, डी थॉमस हाब्स। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर डी थॉमस हाब्स होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाब्स ने निरंकुश राजा की कल्पना की और ये वैसा वो राजा था जो कि सामाजिक समझौते में, जो व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति की, समाज की उत्पत्ति की, तो ये समझौते का भाग नहीं था, यानी समझौते की शर्तें इसके ऊपर लागू नहीं होती है, यह निरंकुश होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य उसने कहा कि राजा को जो है प्रजा के ऊपर शासन करने का असीमित अधिकार है क्योंकि जनता ने अपने समस्त अधिकार राजा को सौंप दिए हैं, अब वो उससे उससे मांग नहीं सकता है। तो प्रजा के ऊपर शासन करने का राजा को असीमित अधिकार है। विकल्प डी थॉमस हाब्स सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? हाब्स, बी रूसो, सी लॉक, डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर डी जॉन स्टुअर्ट मिल है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया गया कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत या सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादकों में हाब्स, लॉक, रूसो का नाम लिया जाता है। तो ये तीनों नाम हैं, तो ए बी सी सही है। इनके नाम जो हैं, इनका नाम सामाजिक अनुबंध के साथ जुड़ा हुआ है। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो है वो एक उपयोगितावादी विचारक थे, ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादकों में नहीं है। तो विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक संविधान सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवीकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावी हुई है।
तो फ्रेंड्स 21 का बी होगा, राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य को समझौते के द्वारा बनाया गया है, यह एक कृत्रिम और मानवीकृत संस्था है। तो विकल्प बी 21 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? ए कार्ल मार्क्स ने, बी राइट ने, सी वाहन ने, डी ग्रीन ने। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी राइट होगा। राइट ने जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं की, बाकी सभी विचारकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। तो विकल्प 22 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ थी, यह कथन किसका है? ए हाप्स, बी लाक, सी रूसो, डी बेंथम। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है ए हाप्स का है। हाप्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में, जो प्राकृतिक अवस्था था उसमें कुछ नियम और कानून भी थे, और उन कानूनों को कहता है कि प्राकृतिक विधियां जो है बुद्धिमत्ता की विधियाँ थी, यानी बहुत विवेकपूर्ण विधियाँ थी। यदि व्यक्ति जो है इन कानूनों के अनुसार अपना आचरण करता तो उसको राज्य की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के वह इन विधियों का पालन नहीं कर सका, परिणामतः अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और राज्य की आवश्यकता पड़ी। तो प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ थी, यह कथन जो है हाथ से कहा है, विकल्प ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, ए राष्ट्रीयता पर, बी संविधानवाद पर, सी व्यक्तिवाद पर, या डी समाजवाद पर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी व्यक्तिवाद पर होगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया था, और इसलिए व्यक्ति जो है वो साध्य होंगे, राज्य जो है एक साधन है और राज्य का कार्य है व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। व्यक्तिवाद का जो जनक माना जाता है या उदारवाद का जो जनक माना जाता है वो लाक माना जाता है। लाक जो है एक सामाजिक समझौता विचारक था। तो 24 का सी व्यक्तिवाद जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, हाप्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, ए आत्मरक्षा के लिए, बी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, सी शोषण को दूर करने के लिए, या डी अन्याय को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए आत्मरक्षा के लिए सही होगा। हाप्स ने माना है कि निरंकुश शासन में व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होंगे, लेकिन एक अधिकार उसके पास होगा जो प्राकृतिक अधिकार जिसको कहता है, वह है आत्मरक्षा का अधिकार। और यदि आत्मरक्षा राज्य जो है व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ है तो व्यक्ति जो है राज्य की आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकता है, केवल एकमात्र अधिकार उसके पास यही है, वो है आत्मरक्षा का अधिकार। और आत्मरक्षा के अधिकार के कारण ही, आत्मरक्षा के अधिकार के लिए ही वह संप्रभुता की अवज्ञा कर सकता है। तो 25 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ए प्लेटो, बी हाफ्स, सी बेंथम, डी बर्क। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी हाफ्स होगा। अभी मैंने बताया कि हाफ्स जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो विकल्प बी हाप्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, टॉमस हाप्स की पुस्तक को किसने जला दिया था? ए क्लेरेंडन, बी पापर, सी लास्की, डी गैटल। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए क्लेरेंडन होगा। क्लेरेंडन ने टॉमस हाप्स की जो पुस्तक लिव्याथन है इसको इतना वो चिढ़ गया था, इसकी नीतियों से हाप्स की जो निरंकुशता संबंधी विचार था उससे इतना ये चिढ़ गया था, उसने जो है हाप्स की पुस्तक लिव्याथन को ही जला दिया था। तो विकल्प ए क्लेरेंडन सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, हाप्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लिव्याथन को ए केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, बी केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, सी लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, डी केवल राजनीतिक अधिकार सौंपे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी होगा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हाप्स ने सामाजिक समझौते के द्वारा जिस शासन व्यवस्था की कल्पना की वो निरंकुशता की कल्पना थी, और हाप्स ने जो समझौते की कल्पना की उसमें जनता ने अपने समस्त अधिकारों को एक व्यक्ति या उसको उसने लिव्याथन नाम दिया, लिव्याथन को सौंप देते हैं। तो जनता अपने लगभग सारे अधिकारों को सौंप देते हैं, केवल एक अधिकार उनके पास सुरक्षित रहता है, वो है आत्मरक्षा का अधिकार, और उसको छोड़कर के समस्त अधिकार वो संप्रभु को या लिव्याथन को सौंप देते हैं। तो विकल्प सी लगभग सभी अधिकार सौंप देते हैं, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ए लाक, बी रूसो, सी हाप्स, डी लिकाक। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी हाप्स होगा।
हाब्स का प्राकृतिक अवस्था जो है वो संघर्ष की अवस्था थी, युद्ध की अवस्था थी। हर व्यक्ति जो है डरा हुआ था और दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ता रहता था। तो यह जो प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहा गया है, ये हाब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहा गया है, तो 29 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाख के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके, या डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए होगा, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लाक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को तीन तरह के अधिकार मिले होते हैं, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो लाक ये कहता था कि व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो है वो राज्य के शासन में रहना स्वीकार करता है। तो विकल्प ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी दूसरे के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है, यह कथन किसका है? ए हाब्स का, बी लाक का, सी रूसो का, या डी इनमें से किसी का नहीं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी रूसो होगा। रूसो ने सामाजिक समझौता जब सिद्धांत इसका देखते हैं, समझौते का स्वरूप देखते हैं, तो इसमें व्यक्ति के दो स्वरूप दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत रूप से अपने समस्त अधिकारों को समाज के प्रति समर्पित कर देते हैं और समाज के एक सदस्य होने के नाते उन अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए रूसो ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों में सबको समर्पित करते हुए भी किसी दूसरे के हाथ में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो यह स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वो रूसो का है, तो विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? ए मार्क्स ने, बी हाब्स ने, सी लॉक ने, या डी लास्की ने? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी हाब्स होगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु या निरंकुश राज्य की जो अवधारणा है वो जो है हाब्स ने ये संयुक्त किया। हाब्स का जो शासक था वो पूर्ण रूप से संप्रभु और निरंकुश था, तो इसका उत्तर बी हाब्स होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, ए राज्य की ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, सी यथास्थिति के औचित्य को स्थापित करना, या डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो फ्रेंड्स इसके पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा शब्दावली हेर फेर है। ये क्वेश्चन इसलिए रख दिया गया कि शब्दावलियां बदल कर भी क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं, तो इसका भी उत्तर वही होगा बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ये सही होगा कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है वो राजनीतिक बाध्यता, लोगों ने राज्य में क्यों आना स्वीकार किया इसके आधार की व्याख्या करता है, तो 33 का विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जान लॉक ने समर्थन किया सीमित राजतंत्र की अवधारणा का, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का, कुलीन तंत्र की अवधारणा का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए सीमित राजतंत्र की अवधारणा का होगा। लॉक ने अपने समझौते के द्वारा जिस शासन व्यवस्था की कल्पना की वह मर्यादित राजतंत्र था या सीमित राजतंत्र था। हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की, रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की कल्पना की, लेकिन लॉक ने सीमित राजतंत्र या मर्यादित राजतंत्र की कल्पना की, तो 34 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया ए राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, बी न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, या डी राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। हमने अभी बताया कि लॉक ने जो है सीमित राजतंत्र का समर्थन किया या मर्यादित राजतंत्र का समर्थन किया। मर्यादित राजतंत्र में राजा तो होगा लेकिन उसके ऊपर जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होगा, तो इस तरह से लॉक ने उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए ही समझौते का सिद्धांत का उपयोग किया, तो इसका उत्तर फ्रेंड्स विकल्प सी सही होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि GIC PGT परीक्षा तक इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती रहे और हमारी तैयारी को मजबूत बनाते रहे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।